सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। मैं इस थ्योरम को प्रूव भी करूंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि कहां पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं इस थ्योरम का प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो सपोज कीजिए हम लोग एक बैग लेते हैं जिस बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स है। एक सेकेंड बैग लेते हैं जिसमें से 2 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। ये जो दो बॉल बैग है, इस बैग में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करना है। अब ये भी बैग सेलेक्ट हो सकता है या ये भी बैग सेलेक्ट हो सकता है, और जो भी बैग सेलेक्ट हो जाए उससे हम लोग एक बॉल निकालेंगे, और ये बॉल रेड हो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इस बॉल का रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले इस दोनों बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट करेंगे और उस सेलेक्टेड बैग से 1 बॉल हम लोग निकालेंगे, वो बॉल रेड हो इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सपोज कीजिए इस बैग को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E1 है और इस बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट E2 है, और रेड बॉल निकालने का जो इवेंट है वो सपोज करते हैं E। अब हम लोग देखते हैं ये बैग सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी हो, इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 बैग है और दोनों बैग में से इस बैग को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो फेवरेबल केसेज हो जाएगा 1, सिर्फ इसी बैग को सेलेक्ट करना फेवरेबल केसेज 1, और टोटल केसेज हो जाएगा 2। ये 2 बैग है, टोटल केसेज 2, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। बिल्कुल वैसे ही इस बैग को सेलेक्ट करने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो चुका है तो उससे रेड बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है। मान लीजिए ये जो बैग सेलेक्ट किया है वो फर्स्ट बैग है, तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो चुका है, E1 इवेंट हो चुका है, अब उसमें से रेड बॉल A इवेंट निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ टोटल 7 बॉल्स है और उस 7 में से रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फेवरेबल केसेज होगा 4 और टोटल केसेज हो जाएगा 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो रहा है 4/7। बिल्कुल वैसे ही सपोज कीजिए ये A/E2 निकालना है, मींस क्या होगा, E2 इवेंट हो चुका है यानी कि सेकेंड बैग सेलेक्ट हो चुका है, और जो बैग सेलेक्ट हुआ है उससे अब रेड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो सेकेंड बैग सेलेक्ट हो चुका है तो सेकेंड बैग में भी टोटल 7 बॉल्स है और उस 7 बॉल में 2 रेड निकालना है, तो फेवरेबल केसेज हो जाएगा 2 और टोटल केसेज हो जाएगा 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/7 आ रहा है। अब हम लोग को निकालना है A का प्रोबेबिलिटी। ये दोनों बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट किए और उस सेलेक्टेड बैग से एक बॉल हम लोग निकाले हैं, तो वो जो बॉल निकाले वो रेड हो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, रेड बॉल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसके लिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, और वो क्या होता है, इसका प्रोबेबिलिटी होता है PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। तो हम लोग इस सभी का प्रोबेबिलिटी निकाल के रखे हुए पहले, तो E1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2, फिर A/E1 का प्रोबेबिलिटी है 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2, एंड अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 2/7। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 LCM आ गया, तो 4 + 2 मीन 6/14 एंड इट इज इक्वल टू 3/7। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी रेड बॉल निकालने का। इस दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट हुआ और उस सेलेक्टेड बैग से अगर एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल रेड हो इसका प्रोबेबिलिटी ये हो गया 3/7 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। ध्यान दीजिए ये जो इवेंट हुआ है A, A इवेंट
या तो E1 के साथ में होगा या E2 के साथ में होगा, अकेले नहीं होगा ये, या तो फर्स्ट बैच सेलेक्ट होने के बाद ये इवेंट होगा या फिर सेकेंड बैच सेलेक्ट होने के बाद होगा। तो ये इवेंट जो है वो दो इवेंट पर एसोसिएटेड है, E1 और E2 पर, और ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव है। ये दोनों में से कोई इवेंट जरूर एक होगा, या तो E1 होगा या E2 होगा, और E1 और E2 होने के बाद ही ये इवेंट होगा। अगर ऐसा होता है तो A का प्रायोरिटी निकालने के लिए हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रायोरिटी अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका थ्योरम क्या है। तो हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रायोरिटी का पहले स्टेटमेंट क्या है। लेट S बी द सिंपल स्पेस एंड लेट E1, E2, डॉट EN बी N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। If A is any event which occurs with E1 or E2 or ... EN, then probability of occurrence of event A is equal to P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2 plus ... P of EN into P of A by EN। क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग S कोई भी सिंपल स्पेस ले रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ले रहे हैं, उससे रिलेटेड S एक सिंपल स्पेस है, और E1, E2, ... EN N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी दो इवेंट एक साथ नहीं होगा, और एडजस्टिव मींस क्या हुआ कि सभी का यूनियन करेंगे तो वो S के इक्वल होगा। तो ये N इवेंट्स है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव है, और एक इवेंट A है जो ये तभी अकर होगा, ए इवेंट तभी होगा जब E1 हो या E2 हो या फिर EN हो, किसी के साथ में होगा, किसी एक के साथ में होगा। तो उस केस में अगर A का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो A का प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। यही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, इसी को हम लोग पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है E1, E2, ... EN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एडजस्टिव इवेंट्स है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये सभी का यूनियन करते हैं, अगर E1 यूनियन E2 यूनियन ... यूनियन अगर EN करते हैं तो ये S के इक्वल आएगा, सिंपल स्पेस के इक्वल आएगा, एंड कोई भी अगर हम लोग दो ले लेते हैं EI इंटरसेक्शन EJ, इसमें से कोई भी अगर दो को लेकर के इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो इंटरसेक्शन फाइ के इक्वल आएगा, यानी कि म्यूचुअली डिसजॉइंट हो गया, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, जहां पर I और J क्या रहेंगे, I नॉट इक्वल टू J होगा, दोनों डिफरेंट ले रहे हैं, यहाँ पर कोई भी दो डिफरेंट ले लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन फाइ होगा। तो ये मीनिंग हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव का। अब जरा ध्यान दीजिए, सपोज करते हैं इस फिगर को आप देखिए, इस वेन डायग्राम को देखते हैं हम लोग, सपोज कीजिए ये जो सेट है वो सिंपल स्पेस है, और यहाँ पर हम लोग कई एक इवेंट ले रहे हैं, सपोज कीजिए ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, इसी तरीके से और भी कुछ इवेंट ले रहे हैं हम लोग, ये E3 है, ये ... और ये है EN, और ये जो इवेंट है ये किसी इस N इवेंट में से किसी एक के साथ में ही होगा। तो सपोज करते हैं ये जो इवेंट है वो है E, ये इवेंट E। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये पोर्शन हो रहा है, ये अगर पोर्शन होता है A का तो वो E1 के साथ में होगा, और अगर ये पोर्शन होता है तो वो E2 के साथ में होगा। तो A इवेंट अगर होगा तो या तो E1 के साथ में होगा या E2 के साथ में होगा या E3 के साथ में होगा, किसी एक के साथ में होगा। इस पोर्शन को आप कह सकते हैं A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E1 है ये, A और E1 का कॉमन पार्ट है ये। इसी तरीके से ये जो पार्ट है A इंटरसेक्शन E2 है, और ये जो पार्ट है वो A इंटरसेक्शन E3 है, और ... इसी तरीके से ये जो पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है A इंटरसेक्शन EN। तो जरा ध्यान दीजिए, A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A को A इंटरसेक्शन S भी लिख सकते हैं, A जो है और S ये पूरे का
आप दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, कॉमन पार्ट लीजिए, तो कॉमन पार्ट किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पर एस को क्या लिख सकते हैं, एस का जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं E1 (E2) (E n). तो आप ये देखिए ए जो इंटरसेक्शन है वो सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, ये सभी के साथ लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन E1 भी हो गया, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा, फिर यूनियन डॉट डॉट, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन EN भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, यहां पर जो हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं उस ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। अब यहां पर हम लोग एडिशन थ्योरम का अप्लाई करेंगे, तो एडिशन थ्योरम के लिए आप ये देखिए, आप पढ़े होंगे ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब होता है, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो आप यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इसीलिए ये यहां पर आप देखिए जितना भी है सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो इसमें पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि ये दोनों में, इसमें भी प्रोबेबिलिटी लग जाता है, इसमें भी लग जाता है। तो वही काम हम लोग यहां पर करते हैं, सभी में प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट डॉट, यहां पर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं पी ए इंटरसेक्शन EN। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं कि ये जो ए इवेंट है, ए इवेंट या तो E1 के साथ या E2 के साथ ये हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है वो सभी पर, तो हम लोग यहां पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1। इसी तरीके से यहां पर भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2। इसी तरीके से और आगे यहां पर भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो पी ऑफ EN इंटू पी ऑफ ए बाई EN। तो ये हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ए का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग ए का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और इसी थ्योरम को कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कुछ और भी क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पर आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको। और ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा आप लोग का, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर ये यहाँ पर गोल सर्कल जो आ रहा है उसको टच करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे ये दोनों जो वीडियो है इस दोनों वीडियो को आप जरूर देखिए। थैंक यू।